हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे छोटू तो किचन में खाना बना रहे हैं। आप लोग अपने अपने छोटुओं से खाना बनवा के दिखाओ। मैं हूँ आउची और मैं अभी अभी अपने इंस्टा के लिए अच्छे अच्छे फोटो निकाल रहे हैं। आप जानते हैं सबको कितना शौक है आजकल इंस्टा का। आप जानते हैं ना, मुझे मोटे फूले हुए सूजे हुए होंठ बहुत पसंद है। हमारा ड्रीम है बचपन से कि हम जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपने होंठ परमानेंट सुजा लेंगे। ये लो छोटू, ये सब बाद में कर लेना, खाना खाओ। बन गया अच्छा बना होगा वैसे ना। अच्छा बनाया है। मैंने बनाया तो अच्छा बनेगा, तुमसे तो अच्छा ही बनाया ना। हाँ, मैंने नहीं बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा आपने। चलो खा। ए क्या हो गया, ये कैसे खा रही हो? कायदे से खा रहे हैं। रुको सिखाता हूँ तुमको कायदा। ऐसे खाते हैं तो अरे ये लो पहले। अरे एक मिनट, ये लो। अरे ये लो, चलो लेटो इधर। अरे लेटो, हम खाना खाना चाहते हैं, सोना नहीं चाहते। ये लो। अरे हाँ रुको, पकड़ो इसको। हाँ रुको, अभी पूरा नहीं हुआ। ये लो। हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ अब खाओ। क्या करना है उसका, उसमें देख के खाना है? हाँ इसे ब्लॉग देखो और खाना खाओ लेट के। आप क्या हमारी जान लेना चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं, हमारा खाना पेट में ना जाके फेफड़ों में चला जाए? मतलब ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है छोटू, ये क्या आप कर रहे हैं? अरे छोटू, तुम तो ऐसे ही खाना खिलाते हो अपने बाबू को। हाँ बताओ, तुम अपने बाबू को ऐसे खिलाते हो, इसलिए मैं तुमको खिला रहा हूँ छोटू। हम नहीं खा पाएंगे ऐसे। क्यों, तुम्हारा बाबू खा रहे थे, तुम नहीं खा पाओगी? हाँ। क्या तुम्हारा गला चोक हो जाएगा? हाँ, सांस अटक जाएगी ना? सांस अटक जाएगी, खाना फेफड़ों में चला जाएगा। हाँ फंस सकता है ना ऐसे कैसे। मतलब डॉक्टर तो मना करते है ना कि लेट के नहीं खाना खाना है। मतलब लेट के कौन खाना खाता है छोटू, अब हमें खिला रहे हैं। जब छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा का तुम खाना खिला सकते हो लेटा के? अरे रुको अभी है? ये लो पानी पियो, लेट के पानी पियो, पी के दिखाओ। नाक में से बाहर आ जाएगा छोटू। अरे जब अपना बाबू पी लेता है, खा लेता है, तुम नहीं खा पाओगी? चल चलो चल चलो, करो करो करो, जल्दी करो। अरे जल्दी करो, ब्लॉग बन रहा है। आ नहीं तो हम छोटू से मोटू बन जाएंगे। और फिर उसके बाद लक जो दर्द हुई सी, टूटिया हुई सी, फिर हमको कुछ ना समझ में आई सी, फिर तुम घुइया खाइया सी। चलो खाओ, तुम्हारा बाबू खाता तुमको भी खाना पड़ेगा। चलो खाओ छोटू, रोटी जल लिया वहां पे जाके देखे। रोटी रोटी रोटी, बाबूजी रोटी ठीक से बनाइए। छोटू कभी कभी ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं, भूल जाते कि हम इनको बाहर निकाल देंगे। हाँ बड़े थक गए, बहुत थक गए हम खाना खा के। सारे बर्तन मांज दिए हैं, कपड़े सुखा दिए हैं, कपड़े तय लगा दिए हैं, झाड़ू लग गया है, पोछा लग गया है, और सारे दुनिया भर के काम कर दिए हैं छोटू ने। अब हम बैठे हैं और बहुत ठंड है, बहुत बहुत ठंड है। अब हमें देख लीजिए, अगर आप जान लीजिए, अगर आपकी आउचिया ने ये मतलब टोपी और सर्दी के पूरे कपड़े पहन लिए, तो आप जान लीजिए, आप मान लीजिए कि पूरी सर्दी जो है पड़ रही है लखनऊ में, अच्छी सर्दी पड़ रही है। इसका मतलब ये होता है, नहीं तो आप तो जानते हैं हम पूरी सर्दी निकाल देते हैं जो हम ढंग का कपड़ा पहन के घूम ले बाहर। 2 स्वेटर लेके रखे हैं हम लोग बुद्ध बाजार से लेके, और आप सोच रहे होंगे टोपी के ऊपर ये हेडबैंड का लगाए रे, तो ये इसलिए हम लगाए हैं देखिए कि ये प्रमोशन के लिए आया है। उन्होंने बोला कि पॉटी करने पे जाओगी तो ये पहन के जाना तुमको, तो ये अच्छा लग रहा है, ये इसका लिंक हम बाद में देंगे। तो हाँ हम आपको बता दें, आज हमारा बड़ा हमको बड़ी उलझन सी हुई। उलझन हमें इस बात की हुई कि हमारे जो बाबू है उसको चोट लग गई, बताइए। अब चोट नहीं, आप हमारे ऊपर नाम मत डालिएगा कि फिर आप ना कमेंट करने लगते हैं कि ये तुम ध्यान नहीं रखती हो, तुम कैसी माँ हो, लापरवाह वाला ऐड उनको याद आता है, कैसी माँ है लापरवाह, वो ऐड सुना होगा ना वो वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बता दें, आप तो जानते हैं हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम बहुत अपनी तरफ से हम पूरी जी जान लगा देते हैं। मतलब देख लीजिए, आप देखते ही रहते हैं ना, हम लिटा के उसको खाना वाना खिलाते हैं, दूध भी हम उसको बिल्कुल
पट लेटा के कुशन ला के खिला पिला सब देते हैं। और तो और बहुत प्यार आ रहा होता है तो हम उसको घुमाने ले जाते हैं, घुमाते हैं तो फुट रेस्ट पे उसको डाल देते हैं चलती हुई गाड़ी में, और चलती हुई गाड़ी में कभी कभी हम उसको आगे की सीट पे भी बैठा देते हैं सीट बेल्ट लगा के। और पता क्या, और एक बार तो हम बताएं हमको बड़ा प्यार आ रहा था बाबू, हम घर की मिठाई, घर जब हमारा छत पड़ रही थी तो हम मिठाई बांटने के लिए जा रहे थे, बाहर सड़क पे खड़े हुए थे, वहां से आया गली का कुत्ता हम पे चिल्लाने लगा अंदर जाओ अंदर जाओ। हमको बड़ा गुस्सा आया, हम बड़े चिढ़ गए, हमने मतलब बाबू को बोला कि अरे तुम्हारी माँ पे चिल्ला रहे, तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रहा है कुत्ता, तुम कुछ करोगे नहीं, जाओ लकड़ी लाओ और मारो इस कुत्ते को। तो बाबू भागा लकड़ी लेने गया और बाहर आया मारने के लिए। वो तो बता, वो छोटू है ना, छोटू को अपनी बीवी की जरा परवाह नहीं है। छोटू बीच में पड़ गए, बोले कि नहीं अंदर आओ, नहीं तो कुत्ता बचता नहीं, हम बता रहे हैं आपको। उस दिन तो आओ न ताओ होता, या तो मतलब हम बीच में ना आते, हम बीच में बिल्कुल ना आते, वो कुत्ता जानता और बाबू जानता, हम इतना प्यार करते हैं बाबू से। हम बताए हमको, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, इतना सब कहानी कथा बताने की मतलब ये जरूरत है कि आप लोग समझ लीजिए। कमेंट ये नहीं करना है कि लापरवाह माँ है लापरवाह माँ है, कमेंट ये करना है कि लापरवाह बाबूजी हैं, बाबूजी की नगनारी में बाबू को हमारे को चोट लगी है। आपको लिखना है अच्छे से, कमेंट करने हैं, बताना है उनको कि उनकी लापरवाही थी। क्या कर रही हो छोटू, क्या बोल रही हो, बाबूजी की लापरवाही थी, क्या बोल रही हो तुम? अरे आप जाके बताइए उनको, बाबूजी को बताइए, अपने पिताजी को बताइए कि उनकी गलती थी, चोट उनकी वजह से बाबू को लगी, हमारे बाबू को चोट जो लगी है, बताइए जाइए। हम तो उनको कब से बोल लेंगे, जाके उनको बता के ये दो बात सुना के आइए, जा ही नहीं रहे हैं। छोटू पागल हो क्या, क्या तुम्हारा इरादा है? हाँ बाबूजी को हम बोल देंगे, तो बाबूजी तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ बुला गए हैं, खाना कौन बनाएगा बताओ, तुम बनाओ खाना, नहीं हमसे हम तो तो होता नहीं, नहीं है, फिर से वही करना पड़ेगा, कभी हम भाभी के यहाँ जाके खाएंगे, कभी मामी जी के यहाँ खाएंगे, तो कभी ऑर्डर करना पड़ेगा बाहर से, मतलब हमसे तो अब नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से बाबूजी को हम बुलाए हैं छोटू। आप ना आपका आपकी वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है। आप जो इंस्टा पे पता नहीं किससे औचे के इस बैड लाइफ वाला, ये इंस्टा जब से अरे इन्होंने बहुत समझा, रिक्वेस्ट आता है बहुत बिजी हो गए हैं, हम कि तो रेसिपी बता परेशान हो दीजिए। गए हैं, हाँ रेसिपी बता रहे हैं, हम बता रहे, रेसिपी बता रहे हैं। पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं सब इनसे। अच्छा आप जाइए यहाँ से, अब हमको बात करनी है इनसे, थोड़ी अलग बात करनी है, अब जाइए यहाँ से, उठ के क्या जाइए, बात करना है? आप छोटू हैं, हमको बड़ों वाली बात करनी है, अब जाइए यहाँ से, चलिए ठीक है। जाइए जाइए जाइए, चलिए चलिए। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरे छोटू तो गए हैं ईंट गिनने, आप अपने अपने छोटू से गिनवा लो। तो मैं यहाँ पे आपके आपके साथ कुछ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे शॉपिंग हॉल किए हैं, बहुत सारे मतलब हॉल आपके साथ शेयर करे हैं। जब मैं मेट्रो जाती हूँ, सामान लाती हूँ, सबको दिखाती हूँ, तो उस हॉल में मैंने, हर हॉल में मैंने ये खास ख्याल रखा है कि मैं अपना फेवरेट सैनिटरी पैड आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और उस सैनिटरी पैड के जो ब्रांड है, उसका जो नेम है, वो हिंदी में फुसफुसाहट होता है। जी हाँ, सही समझे हैं आप। तो वो मेरा फेवरेट है, वो मैंने कई बार बोला है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला, मेरे को अच्छा लगता है, ये मैंने बोला है। हाँ बीच में कभी कोई प्रमोशन के लिए कप वगैरह आ जाता है या कोई दूसरा ब्रांड आता है तो मैं वो बता देती हूँ। तो इस बार भी मेरे पास एक ब्रांड आया है, ये है एकदम अच्छा वाला, एकदम इस वाले से, ये वाले की खूबियां मैं बता देती हूँ। ये एकदम इन्वांटल फैमिली है, इसे इटरेशन बिल्कुल नहीं होती है। जो मेरा पुराना, जो मैं सालों से यूज करती आ रही हूँ, मुझे अभी अभी पता चला है कि उससे मुझे इट्रेशन बहुत ज्यादा होती थी, और एक चीज और होती थी, मुझे रैश हो जाते थे बहुत बड़े बड़े, ये बात मुझे बिल्कुल अभी पता चली। अगर मुझे ये ना मिलता तो मालूम नहीं मैं क्या करती। खैर ये वाला है का लिंक और कोड और ये सब मैं आपको दे दूंगी, आप लोग खरीद लीजिएगा। आप सभी जानते हैं हम लोग पैसों के यार हैं, यूज कुछ करते हैं बताते कुछ हैं। अभी किचन है हमारी बाँ, वो भी इसको बेचने वाली है और बहुत कुछ बेच चुकी है पहले, और किचन तो कई कदम आगे निकल गई है। वो तो मैं ऐसे ही उनको गुरु मैया नहीं बोलती हूँ अपनी, वो तो बहुत आगे निकल चुकी हैं। वो अभी लेटेस्ट उन्होंने क्या काम करा है, HMTI की घड़ी को HMT की बना के उन्होंने चिपका दिया लोगों को। खैर तो ये है, ये बात हुई। और आप ये सोच रहे होंगे ये मेरे को तीन देखे, बिंदी देख रहे हैं मेरी तीन, हाँ ये तीन बिंदियों का मतलब ये होता है आई एम इन ऑन ऑन इन इन आई एम इन माई पीरियड्स। जी हाँ, तो ये अभी लेटेस्ट निकला है, पता नहीं, बस औचिया ने बताया है कि तीन बिंदी का मतलब होता है आई एम इन ऑन माई पीरियड। तो
तो आप में से कौन कौन सी लेडीज कितनी बिंदियां लगाती है जरूर हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये मत कहिएगा कि एक बिंदी लगाते हैं क्योंकि वो हम नहीं मानेंगे। आपको बतानी है आप कितनी बिंदियां लगाती हैं, और ये बिंदियां अगर 5 में कन्वर्ट हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, ये आपको हमको जरूर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। और 4 बिंदियों का मतलब तो ये है कि गुड न्यूज आने वाली है, और 5 का आप गेस करके बताना। और ये हमने सिस्टम क्यों निकाला है, ये सिस्टम हम बेतालों ने निकाला है, अभी लेटेस्ट आउची बेताल ने निकाला है, बाकी जरूर फॉलो करेंगे। हमने ये बताइए इसलिए निकाला, हमने सुविधा के लिए निकाला है। देखिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप जानते हैं हम जितने बेताल हैं सब जनता की मदद करने के लिए बैठे, और हमने ये खास इसलिए निकाला है क्योंकि देखिए अब हमारे में रोक टोक बहुत लग गई है। अब हम अपना जो मतलब सबने हमको बहुत बोला है कि तुम लोग अपना अपना सारी डेट जो है छत पर खड़े होकर भोपड़ा लगा के बताती हो, तो हमको थोड़ा सा अब हिचकिचाहट होने लगी है। सब बेतालों को होती है, वहाँ चंद्र प्रकाश ने बंद कर दी, सबने बंद कर दिया, कोई नहीं बताता। तो हमने ये कोड लैंग्वेज निकाली है कि 3 बिंदी मतलब ये है कि सब सही चल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। चंद्र प्रकाश अपनी बिंदिया लगा के बताना कि क्या हो रहा है, परेशान है सब, बहुत परेशान है। ए छोटू हम एक बात सोच रहे हैं, हमारा ना बड़ा मन कर रहा है कि हम पार्टी करें, हम चिकन मटन खाएं, और ना और पता क्या मन कर रहा है, और हम ना पड़ोसियों को जीना मुश्किल करते हैं, बाहर म्यूजिक सिस्टम रखें रात में ऐसे जोर जोर से उसमें पार्टी सॉन्ग्स बजाएं, और तो और पता है मेरा मन कर रहा है कि हम ना वो ऐसे सुट्टा उड़ाएं, मतलब धुआं उड़ाएं, सुट्टा नहीं तो कम से कम छोटू हुक्का तो पी ही लें, क्या हो गया आपको, ऐसा बड़ा मन कर रहा है मेरा छोटू, करे पार्टी, क्या बोलते हैं, क्या बात करे तो तू, अभी बाबू जी रास्ते में है, हाँ अभी वो यहाँ तक नहीं पहुंचे तो तू, और उसके साथ रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो इतना खाना कौन मिलाएगा तो तू, मुझसे इतना नहीं होता काम तो तू, आप ना आलसी होते जा रहे हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी है ना पार्टनर इन क्राइम, हमारी जो भाभी जी है ना, वो देखो उनको कोई चिंता नहीं होती है, वो कोरोना हो चाहे थोरोना चल रहा हो चाहे जो चल रहा हो, हाँ हाँ है ना, चाहे हम अपने घर में जो मर्जी करें, चाहे हम हुक्का जलाएं, चाहे कोरोना टाइम चल रहा हो, चाहे दारू पार्टी हो, वो अपनी पूरी फैमिली को लेके सीधा आ जाती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन भी धो के जाती हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हाँ उनको बुला लेते हैं, वो सब कर देंगी, खाना भी बन जाएगा, पकौड़ियाँ भी बन जाएंगी, हुक्का भी सुलगा देंगे, उनकी जवान बेटियां उनको हुक्का सुलगा देंगी, है कि नहीं, अच्छा आइडिया तो अच्छा है चतू, लेकिन तुमसे बड़ा सावधान रहना। उनसे क्या सावधान रहूं, लोग मुझसे सावधान रहते, मैं उनसे क्यों सावधान रहूं। अरे अगर उन लोगों ने चैनल खोल लिया तो, जैसे तुमको याद है तुम्हारे वो प्लाचीन भैया, हाँ क्षमता, हाँ और तुम्हारी एक पुरानी सहेली थी इनका, हाँ तुम्हारे कॉलेज टाइम की, हाँ उन लोगों ने चैनल खोल लिया, तुमने सबका चैनल सबको पत्ता काट दिया, हाँ कहीं इनका भी ना काटना पड़े, कहीं इन लोगों भी चैनल खोल लिया तो नहीं, तब क्या कर लो दी, नहीं वो देखिए छोटू वो बाद की बात है, अभी तो देखिए अभी तो पार्टी शार्टी होगी, कंटेंट निकलेगा, है कि नहीं, चिकन मटन तो बन जाएगा ना, एक दिन का खाने का तो प्रोग्राम हो जाएगा, है ना, जब का जब देखा जाएगा, आप फोन मिलाइए, चिंता ना कीजिए, ठीक है बात तो सही है, तब का तब देखेंगे, अभी तो तोलो, अभी तो ऐश कीजिए, चलो फोन कर, हुक्का लगाइए, हुक्का निकालिए, ए भाभी, ए पाध्या भाभी नहीं, ए भाभी जल्दी से आ जाइए, चिकन मटन फिश, हाँ अरे ठीक है ना, कोरोना टाइम बोल दीजिए ना, अरे कोरोना और ना कुछ नहीं होता है भाभी, आप आइए सबको लेके आइए, हाँ तो तू मैंने बोल दिया भाभी आ ली सबको लेके, हाँ लेकिन तो तू ये बताओ, हाँ वो जो भाभी के बच्चे आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, हाँ वो सब अपने पेरेंट के सामने वो हुक्का पियेंगे अच्छा लगेगा, पेरेंट छोड़ दो पूरे समाज के सामने वो पीते हुए तुम दिखाओगे ब्लॉग में, पूरे समाज के सामने वो हुक्का पीते हुए अच्छे लगेंगी, हम पीते हुए नहीं दिखाएंगे, हम सुलगाते हुए दिखा देंगे, तो उसका क्या मतलब होता है, नहीं पी ली है तुमने बोला, तुम बोलोगी ना कि सब पीती है, हाँ हम तो यही बोलने वाले हैं, से जानती है सब, हम तो ये बोलने वाले हैं कि सब कुछ आता है और बच्चे भी पी सकते हैं, तुम बोल लिए मतलब तुम बता लिए डायरेक्टली वो पीती है सब, पूरे समाज के सामने मतलब उनको तुम बता दी कि अभी दो बच्चियां हुक्का पीती है, तो तू अरे वो टॉफी कॉफी वाला होता है, कॉफी चॉकलेट टॉफी वाला, अच्छा वो सब तो लो, अच्छा हाँ बाबू जी आ रहे हैं, तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं, तुम उनके सामने हुक्का पियोगे अच्छा लगेगा,
अल्पिकल को दुए में उलाता हमें चला मतलब उसमें बुरा है क्या? आप मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं छोटू, आप औरत और आदमी में डिफरेंस कर रहे हैं, भेदभाव करते हैं। मतलब आदमी पिएगा तो चलता है, औरत पिएगी तो नहीं चलता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं तल्ला तो तू तो हाँ, अब तो ये लड़का लड़की बात ही नहीं है। हाँ? ना लड़का भी बेटा भी अपने बाप के सामने नहीं पीता तो तू हाँ हिचकिचाता है, नहीं पीता। मॉडर्न लोग नहीं होंगे तो तू कितना मॉडर्न, कोई विदेश में भी नहीं पीता तो तू, मैंने देखा है विदेशी मूवी बहुत। हाँ नहीं पीता तो हम देखिए परेशान ना होइए, हम ये बता देंगे बाबूजी को भी कि चॉकलेट टॉफी कॉफी वाला है, इसमें निकोटीन नहीं है, बस बच्चा भी पी सकते हैं। तो जब बच्चा जो कोई पी सकता है तो क्या हम नहीं पी सकते? फिर जवान लड़कियां नहीं पी सकती, क्या बुराई है उसमें? तो तुम बता लियो निकोटीन फ्री ये धुआं है तो मतलब ये क्या बोलते हैं कि सिगरेट का धुआं तुम जानते हो तू, जो सिगरेट का धुआं हो या चूल्हे का धुआं हो, धुआं होता है, नुकसान करता है सबको, फेफड़ों में चला जाता है धुआं, चाहे बच्चा है बूढ़ा हो जवान सबको नुकसान करता। तो तू गवर्नमेंट भी, तुमने टीवी में ऐड देखा होगा ना, एलपीजी लगाए खाना में खूब खुशियां पाए। अच्छा कुछ ऐड आता था ना, तो तू सब्सिडी वाला गैस लगाए और धुएं से छुटकारा पाए, एनवायरमेंटल फ्री मतलब वो होता है, एनवायरमेंटल वो वाला होता है। हाँ, तो वो सब तुम ये धुआं क्यों इतना प्रमोट कर लियो तो तू छोटू, हम आप समझ नहीं रहे, वो निकोटीन फ्री होता है। तो तुम ऐसा बोल रही हो कल को हमारा बाबू निकोटीन फ्री जो ई सिगरेट आता वो पिए तो तुमको अच्छा लगेगा? आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। अच्छा आप... वो बाबू को छोड़ दो, मैं भला हूँ, मैं ऐसे निकोटीन फ्री ऐसे धुआं तुम्हारे मुंह पे तोड़ दूं तो निकोटीन फ्री धुआं है ना, अच्छा लगेगा होता है। हम आपसे बता रहे हैं हम निकोटीन फ्री वाला पी रहे हैं, बच्चे भी निकोटीन फ्री वाला पी सकते हैं। क्या बात कर रही हो तो तू, और आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है छोटू, हम जो है हम अपने ब्लॉग में बोल देंगे कि जो बच्चे हैं एकदम टैलेंटेड है, इनको हुक्का जलाना आता है, आजकल के बच्चे हैं इनको सब कुछ आता है, ये भी हुक्का जलाना तक आता है। बताइए कितने टैलेंटेड है, हमको रोटी बनाने आज तक नहीं आई, उनको हुक्का जलाना आ गया, बताइए आप सोचिए। अब लोग सोचे तो सोचे कहाँ से सीखा है, हमारे थोड़ी ना टेंशन है, हमको क्या करना है? क्या बात करी तो तू, ये धुआं हुआ तुम तुक्का उक्का साइड में लगाओ अभी। हाँ? ये जो तुम चिकन का आइडिया रखो, चिकन मटन फिश नॉनवेज पार्टी का जो आइडिया तुमने रखा है। हाँ? वो भी कोई मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, कितना तो अच्छा लगता है नॉनवेज? भूल गई तुम तो अभी कल ही तुम लाइव में चीख चिल्ला रही थी। हाँ? हाउस हेल्पर के लिए कि वो चिकन खाती है, चिकन खाती है। हाँ? तुमने तो चिकन को ऐसा बना दिया जैसे कोई भोग विलास की वस्तु है चिकन। आप बताइए चिकन कोई भोग विलास की वस्तु इसने बना रखा है? भोग विलास नहीं होता छोटू, भोग विलास होता है। हेलो भाई मैं बोल रहा हूँ भोग विलास इसने चिकन को भोग विलास। हाँ तो वही मैं बोला, इसने चिकन नॉनवेज को भोग विलास का वस्तु बना रखा है इसने। ऐसा नहीं है छोटू, देखिए बात सिर्फ इतनी सी है छोटू कि हम जो नॉनवेज खाते हैं वो हमारी इच्छा होती है, हमारी चॉइस होती है, हमारी मर्जी होती है, हमारा शौक होता है। लेकिन देखिए वो हाउस हेल्पर है, उसको खाने का हक नहीं है छोटू, उसकी ना मर्जी है ना इच्छा है ना उसकी, मतलब क्यों खाती है वो? देखिए हमको बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो खाती है, हमको बहुत गुस्सा आता है, वो रोज खाती है हम रोज नहीं खा पाते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, इसलिए हमने यूट्यूब पे आवाज उठाई है कि हम उसका बंद करा के ही रहेंगे, हम सबको बता के रहेंगे कि वो खाती है उसका बंद कराया जाए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो ना खा पाए। तो तुम बोल लो जो चिकन देने वाला है उसको चिकन ना दे, बोलो ये सब्जी लेके जाओ सब्जी खाओ। हाँ वो सब्जी खाए हम रोज खाएंगे, जो हम नहीं रोज खाते वो कैसे खा सकती है? हम इसलिए शोर मचाए थे यूट्यूब पे। अब जाइए आप इंतजाम कीजिए पार्टी का, जाइए थोड़ा जाके काटिए वाटिए, हम बाद में आके शॉट निकालेंगे, जाइए शुरू तो कीजिए। अरे भैया भी आ रहे हैं ना, भैया बनाएंगे ना, भाभी आ रही है वो लोग बनाएंगे, हम बाद में आके शॉट निकालेंगे। हाँ हम शॉट निकाल, हमसे तुम काम करोगे तो तू नहीं, आप जाके ईंट गिनिए, जाइए जाइए ईंट गिनो। हाँ जाइए ना, चलो ईंट गिन के आता हूँ। पिछली बार दो काम गिनी थी, ठीक से गिना कीजिए, कायदे से आप नहीं गिन रहे आजकल, एक ही काम दिया वो भी नहीं करते हैं। ठीक है तो तू इस बार अच्छे से गिनूंगा, दो बार गिनूंगा। ठीक जाइए। हाँ हम पहुँच जाएंगे, हाँ पहुँच जाएंगे, बोल रहे ना, नहीं हम आएंगे। अरे क्यों ना आए, हम आएंगे, ब्लॉग बनाएंगे हम।
अब बैग निकाल ले जल्दी से और सामान भरिए उसमें फटाफट। अच्छा मुझे घर से मत निकालो छोटू, मैं साला काम करूंगा अच्छे से करूंगा, चल चल साला काम करूंगा छोटू मुझे घर से मत निकालो। आपको नहीं मुझे जाना है। क्या बात कर रही हो? छोटू जा रही हूँ मैं। क्यों जा रही हूँ? वहाँ पे बहुत अच्छा मेरे को मतलब ब्लॉग बनेंगे ममता की छाव में, मम्मी जी का मैं ऑपरेशन कराने जा रही हूँ। क्या बात कर रही हो? फाइनली मम्मी जी का ऑपरेशन हो रहा है? उनका पथरी का ऑपरेशन हो रहा है? नहीं पथरी का नहीं हो रहा है। क्यों? उनको तो जब बाबू 10 महीने का था मतलब 1.5 साल पहले वो पथरी हुआ था। हाँ। उसके बाद से तुम्हें तो कोई अपडेट ही नहीं देता तू कि उनका ऑपरेशन हो गया कि नहीं हुआ, तो किस चीज का ऑपरेशन देता तू? मोतियाबिंद का हो रहा है अभी, इस बार मोतियाबिंद का हो रहा है। देखिए अभी पथरी में गुंजाइश है मतलब थोड़ी बहुत और बड़ी हो सकती है, उसको अभी हमने छोड़ दिया है अभी ठीक है। लेकिन जो मोतियाबिंद है वो एकदम मतलब बढ़ गया था, एकदम वर्स्ट कंडीशन पे पहुंच गया है वो। मतलब ये देखिए कि वो मम्मी जी जो है हमारे बाबू के लिए कंबल बिन रही थी, हम काट के आए थे ना पिछली बार काम पकड़ा के। हाँ, तो तू, हाँ। ढेर सारी पट्टियां दे के आए थे, इसमें लगाओ वो करो, तो बिन रही थी तो काफी टाइम से उनका बन रहा था मोतियाबिंद, लेकिन काम चल जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि बिल्कुल बंद हो गया, आधा कंबल बना आधा रह गया। क्या बात करते हो, कंबल बनाने जा रही हो? नहीं नहीं ऑपरेशन कराने जा रहे, कंबल उसके बाद बनवा लेंगे, हम तो हेल्प करने जा रहे हैं ना। अच्छा हेल्प करने जा रही हो तो? हाँ। अच्छा तो तू जब जा रही हेल्प करने तो अच्छे से हेल्प करना, सबको अच्छे से बना के खाना खिलाना मम्मी पापा को, सवेरे में पराठा खिलाना, रोटी खिलाना, सब्जी खिलाना, शाम को भी खिलाना अच्छे से, अच्छे से सेवा टहल करना। ओके तो तू पूरा घर संभाल देना पूरा काम। हमने ऑलरेडी संभाल दिया है छोटू। देखिए क्या क्या प्लान बना है, हम जाएंगे हम मस्का बन खाएंगे, चाय पी लेंगे। हाँ और जो खाना है वो मम्मी बना देंगी, और हॉस्पिटल जाने से पहले ऑपरेशन से पहले मम्मी खाना बना देंगी, सब दाल चावल सब्जी रोटी सब बना देंगी। फिर वापस आ जाएंगे, फिर रात में डिनर में जो है डैडी हमारे जो है तहरी छोक देंगे, सब्जी भी काट लेंगे। तो हमने पूरा पूरा इंतजाम हो चुका है, सब डिसाइड हो चुका है। जब सब काम तुम्हारे मम्मी पापा करेंगे तो तुम क्या करने जा रही हो? तो तू हम वीडियो बनाएंगे ना, हम व्लॉग बनाएंगे, हम याद करेंगे ना कि ये हुआ था वो हुआ था, हमको यादें रखते हैं ना हम। क्या बात कर ली तो तू? हाँ देखिए देखिए काम हम नहीं करेंगे वहाँ पे, आप जानते हैं हम अपने मम्मी पापा की एकदम लाडली बिटियां हैं, हमसे कोई काम निकलाता नहीं, हम वहाँ जाते हैं हमको भगा देते हैं वो। हम आपकी भी लाडली हैं तो उनकी क्या कम लाडली हैं? क्या बात कर ली तो तू? हाँ तुम अपने माँ बाप की लाडली हो, तो बच्चे भी तो अपने माँ बाप के बच्चों के भी तो लाडले होते हैं ना माँ बाप। हाँ बच्चे जब जाते हैं अपने माँ बाप के घर तो उनका सारा अच्छे से केयर करते हैं, खाना बना देते हैं, मतलब अपने माँ बाप के अच्छे से केयर करते हैं। शॉर्ट तो तू ऐसा है क्या? अरे थोड़ी केवल बच्चे माँ बाप के लाडले होते हैं, बच्चों के भी तो लाडले होते हैं ना माँ बाप। तो तू नहीं ऐसा नहीं होता छोटू, आपको पता नहीं, आपको शायद थोड़ा गलत है। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार अरे वो तो छोड़ दीजिए, आपके यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बाप को आदत होती है काम करने की, बच्चों को कहाँ होती है। तुम स्पेशल बच्चा हो। हाँ हाँ बाकी सब बच्चे तो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो तू हम नहीं, हम तो वीडियो बना सकते हैं बस, आप रहने दीजिए आपको कुछ नहीं पता है। हम आपसे बोल रहे हैं, देखिए हम जा रहे हैं और हमको बहुत काम पड़ेगा वहाँ पे, और आप सब जानते हैं कि बच्चों के साथ काम होता नहीं है, मतलब जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे काम हो ही नहीं सकता है। क्या बात कर रही हो तू? हाँ मतलब तुम ऐसा बोल रही हो जिनके बच्चे तो उनके पेरेंट्स काम नहीं कर पाते हैं। नहीं कहाँ कर पाते होंगे ना। क्या बात कर रही हो तो तू? बच्चे कितना तंग कर देते हैं आप तो जानते ही हैं, काम तो कहाँ हो पता है। तुम काम चोर हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी मतलब जिनके बच्चे तो काम नहीं कर पाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को जानती हो ना? हाँ वो अपना दुधमुआ बच्चा लेकर युद्ध लड़ी थी। हाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, वर्किंग वुमेन है। हाँ वो सब भी तो अपना बच्चा अच्छे से संभालते हैं। तो तू तुम तो सोशल इन्फ्लुएंसर हो। हाँ वो ना, तो काहे का सोशल इन्फ्लुएंसर छोटू? तुम लोगों को क्या सिखा रहे हो तू कि मतलब बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे में काम करने नहीं देते हैं। हाँ हा? हाँ देखिए बच्चे काम करने नहीं देते, बच्चों के साथ काम होता नहीं है ठीक है। देखिए आप भी समझ लीजिए, आपसे जिससे बनता हो उससे काम करा लीजिए, हम तो कहते ही हैं हम एकदम ठीक है, आप लोग अपना जानो। कैसा थोतल? अच्छा मैं जा रही हूँ अब है ना। कैसे कैसे लोग फॉलो करते हैं भाई? हम जा रहे हैं कार में ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं। चल अरे हम रोने का कोशिश कर रहे थे रे, हम चाह रहे थे कि रोने का अच्छा सा सीन बनाएं, आवाज भारी करें, कुछ बोले, आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं।
हद है, मतलब हम अपना मतलब ठीक से ब्लॉग भी नहीं बना सकते। इतना बड़ा नौटंकिया है रे, बात बात पर रोना करती है रे, अनसब्सक्राइब करा इसका। अरे हमको चैन से व्लॉग करने नहीं देते ये लोग, हद है बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो आप हिम्मत बढ़ाइएगा हमारी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भूल जाते हैं, नया साल है, जरा सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं आप लोग, क्या परेशानी है आपको, सब्सक्राइब कीजिए। हम इतना काम करते हैं बच्चा लेके, और आपकी दीदुआ बोलते हैं बच्चा लेके काम होता नहीं है, हम काम करके दिखाते हैं तब भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है ना, लाइक कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय बाय।